तो दोस्तों बात करेंगे सिलेक्शन पोस्ट के बारे में और एसएससी सीपीओ 2024 का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं निकला है, तो उसमें क्या कुछ रीजन हो सकते हैं इसके बारे में। दोस्तों सिलेक्शन पोस्ट 2024 की वैकेंसी का दोस्तों पता लग चुका है, ठीक है, कि किस रीजन में कितनी वैकेंसी है और कौन सी वैकेंसी की नौकरी दोस्तों आपको जो है इनकी कौन सी नौकरी आपको कहां पर मिलेगी, किस स्टेट में मिलेगी और उस स्टेट में भी जगह दे रखी है, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, उम्र क्या रहेगी, ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग। दोस्तों सबसे पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद सीपीओ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज मैं सबसे पहले आपको दोस्तों दिखा देता हूं कि एसएससी के ऑफिशियल जो है एसएससी ने बता दी है कैसे हमने सबसे पहले इस लिंक के ऊपर जाना है। ये लिंक दोस्तों कहां मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। यहां पर आपने रीजन सेलेक्ट करना है, आप एक ही रीजन से जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। सपोज आपका नॉर्थ रीजन है, नॉर्थर्न रीजन है, यानी कि आप दिल्ली की साइड के हैं, दिल्ली के आसपास के एरिया के हैं, तो दोस्तों यहां पर हमने फिर नॉर्थर्न रीजन सेलेक्ट किया, फिर फेज ये 24 जो है सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने सर्च किया। जैसे दोस्तों आप सर्च करोगे तो इसके अंदर अभी यहां पर ये आप देख सकते हैं ये वैकेंसी का चार्ट दोस्तों आ गया है कि पोस्ट नेम है, ठीक है, सभी सबसे पहले रीजन एनआर आ गया, पोस्ट कोड आ गया, पोस्ट का नेम आ गया, डिपार्टमेंट का नेम आ गया, फिर लेवल वन यानी कि लेवल वन की है, टू की है, फोर की, सिक्स की, ठीक है, इसमें सारी तरह की वैकेंसी होती है, वन टू फोर सिक्स, ठीक है, वन की है देखो, सिक्स की है, फिर एज लिमिट दे रखी है सभी की यहां पर, ठीक है, ये यूआर कैटेगरी की एज लिमिट दी होती है, इसमें आप जो 3 साल बढ़ा सकते हैं। अब सबसे पहले, ठीक है, अगर आपकी उम्र ये है और आपने लेवल वन में भी जा सकते हैं, दोस्तों हम क्या करेंगे, व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप सबसे पहले टॉप में आपको दिखाई देगा कि आप जो है की क्वालिफिकेशन, कि इस पोस्ट को लेने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th बेस की है, ठीक है। तो इसमें कितनी वैकेंसी है, 10 वैकेंसी है, यूआर की 2, ओबीसी की, एससी की 3, इस तरह से दे रखी है, ठीक है। क्लासिफिकेशन उम्र ये होगा ग्रुप सी की, लेवल वन की, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग, इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग न्यू दिल्ली, ठीक है, और ओएच कैश के लिए एलिजिबल है, ऐसे इनका भी बता रखा है कि नो यस, ठीक है, ये भी आप जो है चीज देख सकते हैं। फिर यहां पर हमने क्लोज कर दिया। फिर हमने दोस्तों जैसे सपोज सेंट्रल रीजन का देखा, ठीक है, सेंट्रल रीजन में हमने किया सर्च किया, ठीक है, फिर यहां पर आ गए, यानी कि इन सभी पोस्टों के लिए आप एलिजिबल देख सकते हैं, ठीक है, कि आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर सबसे पहले ही दे रखा कि आपको नौकरी कहां पर मिलेगी, ठीक है। अब यहां पर जैसे मैंने सबसे पहले मैंने इसी पे क्लिक किया, फिर यहां पर आ गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन है, 3 वैकेंसी है, ठीक है, इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग मथुरा यूपी के अंदर है, ठीक है। आप किसी भी रीजन को जो सिलेक्ट करके यहां पर जो है चूज कर सकते हैं। इसका लिंक, ये वाला जो लिंक है दोस्तों, ये मैंने यहां पर डाल दिया है अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म 2024 के नाम से, जो अपना टेलीग्राम चैनल है, यहां पर अपने पास अभी 37,000 मेंबर जो अपने साथ जुड़े हुए हैं, तो यहां पर ये आप देख सकते हैं। यहां से आप जो इसको यहां पर क्लिक करेंगे और अपने अपने रीजन की अपने आप ये चेक कर लेना कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आप किन किन पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को तो पता ही नहीं लगेगा, लास्ट तक फॉर्म ही निकल जाएगा, लास्ट डेट ही चली जाती है कि किस पोस्ट के लिए एलिजिबल था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है, ठीक है। अब आगे बात करूं दोस्तों, अगर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों कर लीजिए, ताकि आपको एसएससी से रिलेटेड हर अपडेट मिलती रहे, आपको हर चीज का एनालिसिस मिलता रहे, ठीक है, जो आपके काम की चीजें हैं वो आपको मिलती रहे, ठीक है, आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कैंडिडेट अपने साथ जुड़े हुए हों ऑलरेडी उनको भी पता है। तो अगर मैं बात करूं सिलेक्शन पोस्ट का जो नोटिफिकेशन है, ये जो मैंने आपको भी फॉर्म दिखाया, इसका नोटिफिकेशन निकलना था दोस्तों 1 फरवरी 2024 को, और इसकी लास्ट डेट थी 28 फरवरी 2024 को फॉर्म भरने की, और इसका एग्जाम था आपका अप्रैल मई 2024 के अंदर, ठीक है, लेकिन अभी तक इसके फॉर्म जो है निकले नहीं है, यानी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, वैकेंसी वगैरह के बारे में सब कुछ बता दिया है, ठीक है। तो ये यहां से आप चीज जो है देखना। इसके बाद था सब इंस्पेक्टर का, जिसका फॉर्म निकलना था 15 फरवरी 2024 को, और लास्ट डेट थी 14 मार्च, और इसके एग्जाम होना था मई जून 2024 के अंदर। बाकी ये आप दोस्तों यहां पर देख सकते हैं सीएचएसएल का। तो इस हिसाब से यहां पर जो है क्या कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन या सीजीएल 2022 का शायद नोटिफिकेशन लेट हुआ था, तो उसमें क्या किया गया था, सिलेबस को चेंज किया गया था,
ठीक है, सिलेबस को चेंज किया था। सीजीएल 2023 का भी 3-4 दिन नोटिफिकेशन सर डिले हुआ था, तो उसमें कोई मेजर चेंज नहीं हुआ था। यानी कि अभी क्या चल रहा है कि वेंडर जैसे कि यानी कि टीसीएस एग्जाम करवा रही है, टीसीएस ही सब कुछ काम करवा रही है, ठीक है, कि पेपर भी ले रही है, सेट भी कर रही है, क्वेश्चन पेपर बना रही है, सब कुछ। लेकिन अभी एसएससी चाह रही है कि ये चीज़ें अलग अलग हों, यानी कि अलग अलग कंपनी, अलग अलग वेंडर जो है इस चीज़ को करें, क्वेश्चन कोई पेपर सेट और करे और एग्जाम कोई और ले, ठीक है। इस तरह के जो नोटिफिकेशन अलग अलग टाइम टू टाइम जो एसएससी अपने वेबसाइट वगैरह पर डाल रही है, ठीक है। तो ये रीजन हो सकता है कि उनको एक प्रॉपर जो है ये बंदा ना मिला हो, जो 2024 में सारे पेपर जो है इस तरह से करवा सके, अंडर प्रोसेस हो। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर वेंडर चेंज होता है, कुछ कैंडिडेट के माइंड में डर होता है कि क्वेश्चन का पैटर्न तो नहीं, जो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, हल्का फुल्का डिफरेंस 5% मिल सकता है, किसी की लेंथ या जैसे क्वेश्चन की लेंथ होती है वो ज़्यादा कर दें, रीजनिंग में कुछ 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल दें, यानी कि इस टाइप की चीज़। बाकी जो आपका पैटर्न चल रहा है आपको उसी पैटर्न को ही फॉलो करना है, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो, यानी कि वो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है अभी उसके अंदर, ठीक है। तो सिलेबस वगैरह हो सकता है, जैसे सिलेबस वगैरह चेंज किया था, जैसे पैटर्न पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न चेंज किया था, हो सकता है ये भी रीजन हो कि कोई ना कोई चीज़ें जो है उसके अंदर चेंज करने की एसएससी सोच रही हो, भी सिलेक्शन पोस्ट के अंदर जो है कुछ चीज़ें चेंज करनी चाह रही हो, ठीक है, या फिर सीपीओ के नोटिफिकेशन में, क्योंकि पहले सिलेक्शन पोस्ट का निकलना था तो सीपीओ का इसलिए शायद डिले हो रहा उसके कारण। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा जहाँ तक मेरे को लगता है। तो नोटिफिकेशन आपका फरवरी के एंड तक आ सकता है सिलेक्शन पोस्ट का। बस आपने, मैंने अभी आपको बताया कि आपने अपने नोट करके रखना है कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। एक रीजन से ही आप होम जॉब अप्लाई कर सकते हैं, ये बात का ध्यान रखना। नॉर्थन में जाना नॉर्थन में, सेंट्रल में जाना सेंट्रल में, ठीक है। और बाकी तो दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपको जो है हर चीज़ का पता लगता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, थैंक यू। तो डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।